अरे भाग रहे सारे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बहुत दूर से भागते हुए आया है, बहुत चटकदार खुशखबरी हमको मिला है तिवारी काका, तुम सुन लो, रुको थोड़ा, दो मिनट सरो, बहुत जोर से भाग के आ रहे हैं। अरे भाई सुनने में आया है कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का कोनो स्टेज शो होने जा रहा है, अरे बाप रे हमको घूमने ही लग रहा है सरो। अरे रुको अब आस्ते हम बताते हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बात ऐसा है कि सुनने में ही आ रहा है कि खेसारी भाई को काजल राघवानी जो है जोड़ी वापसी करने जा रही है, कहूँ स्टेज शो होने जा रहा है दुनिया कोनो कोना में। ये सच में है का भाई? हमको तो पहले शक था, हमको पहले शक था जब ये काजल राघवानी खेसारी भाई गाने पे जो है इंस्टाग्राम रील्स बना रही थी, तब टमाटर गालते भाई चंद भाई चंद, तब बस हमको शक लग रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। अरे लोग नहीं मानेंगे, दोपहरों खाना बनाते हैं, का कहें इन सबको। तो हमको पहले जो है शक लग रहा था कि जो है इनका जोड़ी वापसी करने वाली है, और सच में कर रही है, अगर नहीं करती तो बर्तन मांजना पड़ता दूसरे घर पे जाके, ऐसी हालत आ जाती। मैंने कितना ज़्यादा घाटा लगा काजल राघवानी का, आप सबको पता नहीं करोड़ों घाटा लगा है। देखिए संघर्ष पार्ट टू आया, उससे डिलीट हो गई। अगर झगड़ा नहीं करती तो जाहिर सी बात उस फिल्म में काम करती, उनको पैसा मिलता, उनका नाम बड़ा होता, मैंने उनको ट्रेंडिंग में आए हुए देखे हो कभी ट्रेंडिंग में गाना उनका आजकल, मैंने लगभग दुनिया भूल ही चुकी है उनको कि काजल राघवानी है कौन। अब मैंने जिसके लिए छोड़ के भागी थी, आज उनके काम नहीं आए। कौन भैया कामें आए, चिंटू कामें आए, रितेश पंडे कामें आए, कोई कामें नहीं आए। मजा लूट रही हैं यामिनी सिंह, मेघा श्री, वो सबका गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, उन सबका फिल्म जो है खेसारी भाई के साथ में चल रहा है। तो अब जब इनका जो पोस्ट आया सारे भाई बर्थडे के दिन पे जो पोस्ट आया, तो हमको एकदम जो है पक्का विश्वास हो गया कि अब कुछ ना कुछ जो है हंगामा होने वाला है। आजकल भविष्यवाणी हमारे बहुत सही हो, क्या बताएं, मन करा इसको उठा के मार दे फूट जाए, कुकर चिरा के लेके आया था, इन लोग जरूर सुधरेगा नहीं। हाँ तो बात ऐसा है कि हमको पहले शक था, आजकल भविष्यवाणी हमारा सही भी हो रहा है। मैंने बताइए पहले बोले थे कि जोड़ी वापसी करेगी, और पता नहीं कहाँ झारखंड में कहूँ जो है स्टेज शो होने जा रहा है, इतना जानकारी नहीं है, हो सकता गलत भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर उधर से जो हमको जानकारी मिला है सूत्र लोग बताए हैं, अभी सूत्र लोग के हमको नहीं पता है। हाँ तो ये शायद कंफर्म है, इतना घाटा लगा दी थी, यही काम पहले कर दी होती काजल राघवानी तो आज करोड़ों घाटा उनका नहीं लगता, मैंने एकदम नोट छाप रही होती। मतलब खेसारी भाई जब से वो छोड़ी है काजल राघवानी, तब से खेसारी भाई को लगभग 15 से 20 फिल्म आया है, और कुछ नहीं तो अगर होती तो 5-10 फिल्म में तो उनको काम मिलता ही मिलता आए, और दुनिया इतना पसंद करती थी, मैंने अपने ही टांग में दिखा देते, अपने ही टांग में अपने कुल्हाड़ी मारी थी, मैंने कौन जरूरी था झगड़ा करने की आए, मैंने अच्छे बर्बाद हो गए खेसारी भाई झगड़ा करके, तुम्हारी बाकी था आके आमनी सिंह मजा उठा रही हैं, मेघा श्री उठा रही हैं, लेकिन ये बात है अगर कहीं काजल राघवानी जोड़ी वापसी करती है तो फिर आमनी सिंह क्या करेंगे, वो तो एकदम जो है बेहाल हो जाएंगे रोते रोते भाई। कैसे हमको जो बर्थडे दिन है पता चल गया था, दोनों मार चल रहा था, वो बोल लेती हमार सब कुछ है, वो बोल लेती हम आइला भी करते हैं, तो कहूँ सपना चौहान कुछ पोस्ट कर दी, मतलब मारपीट चल रहा था, इसे देखने में आ रहा था। हालांकि अब स्टेज शो कहिया हो रहा कहाँ हो रहा हमको नहीं पता, बस थोड़ा थोड़ा हमको जानकारी मिला था, तो हम बोले लाओ बता देते हैं तुम सबको। चलते आज की वीडियो में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, पाला की जिंदाबाद।